तो गाइस हम लोग आज एक बार फिर वो सिनेरियो रिक्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे मुंबई 278 चेस करने वाले थे पर चेस हो नहीं पाए। तो हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे आज उस स्कोर को चेस करने का। क्रिकेट 24 में मुंबई की तरफ से हम खेलेंगे और देखते कि हम भी चेस कर पाते हैं या नहीं चेस कर पाते। तभी हुआ नहीं था चेस, शायद इस बार हो जाए। तो आइए देखते हैं। टीम्स मैंने दोनों भी वही रखी है, दोनों कप्तान पैट कमिंस, हार्दिक पांड्या। अभी सीधा चलते हैं गेम में और देखिए रोहित शर्मा, ईशान किशन टारगेट चेस करने उतर चुके हैं। देखिए 278 का टारगेट, फिर एक बार प्रयास करेंगे, फिर एक बार इतिहास को बदलने का प्रयास करेंगे हम। ट्रैविस हेड बहुत रन मारे आज, रोहित शर्मा पीछे नहीं हटने वाले, वो भी पहला ओवर करेंगे। लेट्स बिगिन। भूवी की पहली गेंद और नो बॉल पहली गेंद पे। लगता है 278 चेस होने वाले आज। पहली बॉल से, नो बॉल से शुरुआत की है और ये देखिए रोहित शर्मा का चौका, उनके बल्ले से मधुर आवाज। थोड़ा संभल कर खेलना होगा और देखिए रोहित शर्मा फिर एक बार और एक चौका मिलेगा। जी हाँ, और एक चौका और ये नो बॉल। फिर से भूवी ने गलती कर दी, गलती होके पहाड़ है भूवी। हवा में गेंद, इस बार रोहित शर्मा ने उठा दिया और ये छक्का या चौका पता नहीं, कंपेयर की तरफ देखते चौका है। हवा में गेंद, ये दूर जाएगी। पहला ही ओवर, बड़ा ओवर, छक्के के साथ समाप्त किया है इसे रोहित शर्मा ने। देखिए स्टांस, देखिए रोहित शर्मा क्रीज के बाहर आकर पुश किया, थोड़ा एवरेज पुश था पर छक्का मिला इसका, बढ़िया शॉट। हवा में गेंद, ईशान किशन भी पीछे नहीं है, 6 रन। ये भी सिक्स है, ये भी लंबा छक्का, जबरदस्त शॉट। आज ग्राउंड में छक्के पड़ रहे हैं, 278 का टारगेट। मुझे तो लगता है कि हम चेस कर सकते हैं, मुंबई उस दिन चेस नहीं कर पाए पर हम चेस करेंगे। ये भी देखिए और एक छक्का। जी ईशान किशन के तेवर खतरनाक लग रहे हैं इस बार, बिल्कुल ही खराब लाइन एंड लेंथ रहती है उमरान मलिक की हमेशा से। मयंक यादव से कुछ सीखने की जरूरत है उन्हें, ऐसा मैं कब से कहता आ रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं। अभी भूवी फिर से हवा में गेंद और ये होगा कैच, नहीं ये होगा चौका। जी हाँ, 50 रन की पार्टनरशिप, दोनों के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। ये देखिए गैप ढूंढ रहा है, खूबसूरत शॉट यहां पर, चौका। फिर से गैप, फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में, फिर से चौका। हवा में गेंद, फील्डर नीचे पकड़ेंगे कैच और पहला विकेट यहां पर, हैदराबाद को सफलता मिली है। भूवी यहां पर विकेट लेते हुए इस बार। ईशान किशन फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने गए पर सीधा हाथों में कैच यहां पर फील्डर के और जाना पड़ेगा ईशान किशन को 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर। नमन धीर अगले बैट्समैन और ये रोहित शर्मा भी गए 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 और एक विकेट। देखिए पूरे मैच का हाल पलट चुका है, रोहित शर्मा भी देखिए फुल टॉस गेंद थी, तेज मारी थी और फील्डर के हाथों में दे बैठे सीधा, बढ़िया कैच था ये भी। रोहित शर्मा भी 24 रन बनाकर लौट रहे, बुरा लग रहा है मुझे आज। तिलक वर्मा साहब आए हैं यहाँ पर, अभी 178 हो जाए तो भी मुश्किल से बहुत बड़ी बात है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 विकेट गिर चुका और ये चौका तिलक वर्मा। और ये देखिए तिलक वर्मा दो फील्डर के बीचों बीच से गैप ढूंढते हुए वापस एक बार नमन धीर को, और नमन धीर ने क्या लंबा छक्का मारा है हैदराबाद ग्राउंड के बाहर, क्या शॉट मारा है यहाँ पर। 2 विकेट गिरने के बाद भी ठंडी नहीं पड़ रही है मुंबई इंडियंस, दुनिया हिलाने वाली है, आज हैदराबाद को हिलाएंगे। हवा में गेंद, पुल शॉट खेला है, जबरदस्त, 4 रन मिलेंगे इसके, इस ओवर में 14 रन आए। हवा में गेंद, फिर एक बार फील्डर नहीं रोक पाएंगे और ये और एक चौका इस ओवर में और ये यहाँ पर फिर एक बार गड़बड़। ये ओवर बहुत ही अच्छा गुजरा है अब तक। हवा में गेंद, ठंडा ओवर गुजरा था पर गरम कर दिया है नमन धीर ने इसे।
और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के 100 रन भी पूरे हो चुके हैं और काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है इस समय। पैट कमिंस कप्तान साहब आए बॉलिंग करने, विकेट लेंगे अभी। पैट कमिंस शायद विकेट लेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। हवा में गेंद और ये होगा कैच, आसान सा कैच, नमन धीर को जाना पड़ेगा वापस। पैट कमिंस आते ही अपना जलवा दिखा रहे, देखिए जबरदस्त। यहाँ पर टाइमिंग खराब थी, ये बहुत ही खराब टाइमिंग। अभिषेक शर्मा ने पकड़ा कैच, नमन धीर 24 रन बनाकर वापस। और मुंबई इंडियंस के नए कप्तान आए, कोई गालियां नहीं देगा। हार्दिक पांड्या एक एक दो दो रन निकाल के टीम को नहीं जिता सकते आप, नहीं भागिए मत। शहबाज अहमद को हाथ में उनके गेंद क्यों थमाई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैच को जीतना होगा। हवा में गेंद है, ये कैच है, ये कैच है, ये कैच नहीं है और ये चौका है। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, फील्डर काफी स्लो छे। हार्दिक पांड्या आज मैच जिताएंगे, जी हाँ इसी तरह से मैच जिताएंगे, इसी तरह से। देखिए विकेट अपना फेंक कर मैच जिताएंगे। चौथा विकेट है, थोड़ा सीरियस सिचुएशन हो चुका है। मुझे लगता है हम भी नहीं जीत पाएंगे उस दिन, जैसे मुंबई एक्चुअल में नहीं जीत पाई थी वैसे अभी। ऐसा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि हार्दिक पांड्या कप्तान, बेस्ट फिनिशर इन द यूनिवर्स, वर्ल्ड बेस्ट फिनिशर इन द गली क्रिकेट, यहाँ पर आउट हो चुके हैं। और देखिए पंड्या को जाना पड़ेगा, सिर्फ 5 रन बनाए उन्होंने, अच्छी पारी खेली, बढ़िया पारी। और टीम जय विजय है, किसी ना किसी को खड़ा रहकर खेलना होगा। जी हाँ, टीम डेविड को इसी तरह के शॉट मारने पड़ेंगे, छक्के भी मारने पड़ेंगे। ये देखिए चतुराई पर शॉट, बैक फुट पे चौका, हवा में गेंद, जबरदस्त छक्का आखिरी गेंद पे। पैट कमिंस को धोया है, थोड़ा खामोश करके रखा था पिछली 3 गेंदों में टीम डेविड को, पर टीम डेविड ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने वाले, खामोश। तिलक वर्मा देखिए छक्का ही है, लिख लीजिए पेन और पेपर लेके, ये भी छक्का है, ये भी छक्का है, ये भी छक्का है। तिलक वर्मा यहाँ पर काफी खतरनाक लग रहे हैं। अगर हैदराबाद को ये मैच को जीतना है तो उनका विकेट निकालना पड़ेगा, और हारना है तो विकेट मत लीजिए उनका। हवा में गेंद और ये तीसरा छक्का होगा इस ओवर का। जी हाँ, देखिए आज वर्मा जी का बेटा खेल रहा है, तोड़ रहा है हैदराबाद को, बिरयानी बना रहा है हैदराबाद के टीम की। जयदेव उनाडकट आए हैं यहाँ पर, और ये ऐसा लग रहा है स्पिनर बॉलिंग डाल रहा है जयदेव उनाडकट नहीं। हवा में गेंद, इस बार कैच होगा क्या, क्या छोड़िए, नहीं पकड़ लिया है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता अभी 278 बनने वाले, जयदेव उनाडकट नाच रहे हैं, ये झूम उठा है हैदराबाद। जयदेव उनाडकट एकदम घटिया बॉलर माने जाते थे, पर आज उन्होंने एक बड़ा विकेट लिया है, बढ़िया काम किया है। टीम डेविड को वापस पहुंचाया, 12 रन बनाकर टीम डेविड वापस। रोमारियो शेफर्ड इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। मयंक मार्कंडेया, ये थोड़ा खिलाड़ी के ऊपर से गेंद है, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, चौका। और 50 रन, तिलक वर्मा, ये छक्का है, ये बैट से निकलते ही मैंने कहा है छक्का है। जी हाँ, ये गई है हवा में, खिलाड़ी से पार, 4 रन। रोमारियो शेफर्ड पहली बार स्ट्राइक पर है, और पहली बार स्ट्राइक पर है, और पहले गेंद पे चौका उनका। हवा में गेंद, रोमारियो शेफर्ड बल्ला चला सकते हैं, बढ़िया 6 रन। उनाडकट को धो डाला है रोमारियो शेफर्ड, देखिए हर एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वो बल्ला घुमाने में माहिर है, चौके छक्के लगाने में माहिर है। ये ओवर में 2 डॉट गेंदे आने के बाद यहां पर चौका मिला। हवा में गेंद, ये दूर गई है, ये स्टैंड्स में, ऑडियंस में कैच पकड़ा है किसी ने तो वहां पे। ऐसे छक्के लगते रहने चाहिए तो ही हम चेस कर पाएंगे ये टारगेट। ये थोड़ी तेज है, क्या फील्डर रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। 200 रन पूरे मुंबई इंडियंस के, देखिए 75 रन चाहिए 36 गेंदों में,
और ये थोड़ी सी गेंद वाइड थी, नहीं वाइड दिया नहीं अंपायर ने। ये ओवर सबसे बढ़िया ओवर है, सिर्फ एक रन आया अभी तक 5 गेंदों में। और ये देखिए आखिरी गेंद पे आखिरकार चौका मिल ही गया। 30 गेंदे और 71 रन चाहिए और ये शायद वाइड होगी। जी हाँ, सूझबूझ दिखानी होगी यहाँ पर। और हवा में गेंद है, सिर्फ एक सिंगल ही मिलेगा। थोड़ा खेल ठंडा पड़ गया है मुंबई इंडियंस का, दुनिया हिला नहीं पा रहे। मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतना होगा। और ये क्या, तिलक वर्मा का विकेट यहाँ पर। मुझे लगता है ये मैच हाथ से निकल चुका है। ये देखिए ओवर में कब से ठंडा पड़ा हुआ था, पिछले ओवर से ज्यादा रन नहीं आए थे। और अभी तिलक वर्मा का ये कैच, जाना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा मायूस लग रहे हैं। 86 रन बनाए, शम्स मुलानी आए हैं, इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए हैं। ये देखिए शॉट काफी उड़पटांग था, पर 2 रन मिलेंगे इसके। हवा में गेंद, इस बार कैच, जी हाँ, और एक विकेट। अब इस मैच में केवल एक औपचारिकता बची है, मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि मुंबई का ये टारगेट चेस नहीं हो पाएगा। और शम्स मुलानी देखिए नहीं बना पाए अच्छे रन्स। गेराल्ड कोटजी को उतारा यहाँ पर। और ये अपील 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 अंपायर का, धीरे धीरे ऊपर। और ये रिव्यू लेंगे गेराल्ड कोटजी। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट अंपायर्स कॉल, विकेट सेटिंग, यू हैव टू टेक योर डिसीजन नितिन। और फैसला नहीं बदलेगा, आउट ही आएगा और जाना पड़ेगा अभी गेराल्ड कोटजी को। आते ही निकल पड़े, आया राम गया राम। बुमराह 2-3 छक्के लगा सकते हैं। ओ ये बढ़िया गेंद थी, 17 ओवर के बाद 214 पे 8। पैट कमिंस ने शांत कर दिया है मुंबई इंडियंस को। और क्या बढ़िया कैच, 9वां विकेट। पिछले 3 ओवर में पूरे मैच का रुख पलट दिया हैदराबाद ने और अभी नहीं जीत सकते हम। फिर एक बार विफल प्रयास 278 चेस करने का हमारी ओर से भी। और जसप्रीत बुमराह काफी अच्छे खेलने वाले थे पर नहीं खेल पाए। पीयूष चावला आखिरी बैट्समैन टोपी पहन के, आपका काम यही है कि रोमारियो शेफर्ड को स्ट्राइक पर रखे, पर आप कुछ तो दूसरे धंधे करने में लगे हुए हैं। और ये 2 रन्स पीयूष चावला पहली गेंद पे, 60 रनों की दरकार है। और 12 गेंदे बची है और अब 11 गेंदे बची है। और ये दे लीजिए आखिरी विकेट होगा। जी हाँ, हार गए मुंबई इंडियंस, हार गए पूरी तरह से। एक चांस था वो भी गवा दिया पूरी तरह से। देखिए हम लोगों ने भी प्रयास किया पर 246 भी नहीं बना पाए हम, 277 की तो दूर की बात है। और ये आखिरी विकेट का पतन, और हार चुकी है मुंबई इंडियंस ये मैच, माफ कीजिएगा दोस्तों।